हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट करंट अफेयर फॉर आरओ यारओ। इन दिस वीडियो वी विल डू जून मंथ करंट अफेयर इन टू पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जून मंथ करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है आज का कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। आरबीआई में एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो अभी रिसेंटली में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं जून मंथ में। आरबीआई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के चार और डिप्टी गवर्नर जो हैं उनमें से तीन के नाम हैं माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। नेक्स्ट, न्यू पीएम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के नए पीएम बने हैं पेटेरी ओप्रो। यहाँ की कैपिटल है हेलेंस्की और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है किस देश ने। मिस्र कंट्री ने सम्मानित किया है पीएम मोदी को। पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है किस देश ने। तो उनको सम्मानित किया है मिस्र कंट्री ने। यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। और 2014 के बाद से पीएम मोदी को यह 13 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सा राज्य या कौन सा शहर बनने जा रहा है। तो ये है सांची जो कि एमपी में स्थित है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि एमपी के रायसेन ज़िले में स्थित सांची नगर प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। यहाँ सोलर एनर्जी से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना महिलाओं के लिए किस राज्य ने शुरू की है। तो ये शुरू की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। महिलाओं को राज्य की बसेस में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा, ये इस योजना का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDAI के न्यू CEO कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है अमित अग्रवाल। UIDAI के न्यू CEO बने हैं। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार कौशल सिखाया जाए, मतलब उनको इस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए जिसके बाद उनको रोजगार मिलेगा, जिसमें उनको 8 से 10 हज़ार रुपये की मासिक आय पे रोजगार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर है नितिन अग्रवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया जा रहा है। ये 16वां संस्करण है और 2019 में इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन से देश ने जारी किया है। दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल ने जारी किया है किसके साथ मिलकर। तो ये तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने मिलकर इस डिजिटल बॉन्ड को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की विजेता भारत ने किसको हराया है? लेबनान को। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और मोटो है इसका धर्मो रक्षित रक्षति रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127वीं है। फर्स्ट नंबर पे रहा है आइसलैंड, और इस इंडेक्स को जो जारी करता है वो करता है WEF, इस इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो। कहाँ की हैं ये? अर्जेंटीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अपसुजा इंफ्राटेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना है? भारत का पहला न्यूट्रल गांव बना है भिवंडी तालुका, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसका उद्देश्य क्या है? कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर PM मोदी ने मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर PM मोदी ने मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए मिस्टी योजना का शुभारंभ किया है। मिस्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार का सम्मान कौन से देश ने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मान दिया है सूरीनाम ने, वहाँ जहाँ के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है निर्मला लक्ष्मण। HGPPL की स्थापना हुई थी, मीन्स हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1878 में, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की होस्टिंग करेगा इंडिया, और लास्ट टाइम इंडिया ने इसकी जो होस्टिंग की थी वो की थी 1996 में, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। 2023 में 58वां UNFCCC वॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा जर्मनी में, और UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद बाबा दूध मिशन योजना, ये इम्पॉर्टेंट है UP के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से, कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में, और इसका एम क्या है योजना का? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTA के महानिदेशक कौन बने हैं? NTA के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार। NTA की स्थापना हुई थी 2017 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 का विनर कौन सा देश रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इस ट्रॉफी को, और रनर अप रही है इंडिया, और इसका आयोजन हुआ था ओवल इंग्लैंड में। अकोला के कारी इशाद आम को GI टैग मिला है, ये किस राज्य का आम है? अकोला के
कारी इशाद आम को जीआई टैग मिला है, ये कर्नाटका का फेमस आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैंक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है ठाणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में सिप्री द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो किस देश के पास है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हज़ार तेईस गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, 2023 गवर्नर ईयर ऑफ अवार्ड मिला है, 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड मिला है शशिकांत दास जो कि भारत से हैं और आरबीआई के गवर्नर हैं, और किसने दिया है, लंदन सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलहवें एशिया कप की मेज़बानी कौन से देश करेंगे, तो इसका आंसर है पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और 9 मैच श्रीलंका में, और 15th एशिया कप विनर श्रीलंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना पहला राज्य बना है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड द ग्रीन ऑर्गेनाइजर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया के द्वारा। पहला अभ्यास हुआ था 2014 में और भारत की तरफ से शामिल जहाज INS सतपुड़ा है। इस अभ्यास में जो जहाज भारत की तरफ से शामिल है उसका नाम है INS सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर कौन का क्या नाम है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर का नाम है मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, तो ये स्टार्ट की है कर्नाटका ने, इसका उद्देश्य है आवास प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना किसने शुरू की है, ये स्टार्ट की है झारखंड ने, और इस योजना का एम है उत्सर्जित गोबर का उपयोग बर्मी कंपोस्ट तैयार करने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कब मनाया गया, 21 जून को, और योगा दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जर्मनी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है चंपारण बिहार में, चंपारण जो जगह है वो बिहार में स्थित है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का यूज़ करा जा रहा है और 2025 तक इसका मंदिर का कार्य कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर ट्रेडोस घेब्रेयेसस को दिया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। क्यों दिया गया है, क्योंकि COVID-19 की चुनौतियों के बावजूद भी ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयास को सराहनीय कार्य के रूप में बताकर ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
एम क्या है, स्टडी, लिविंग, ट्यूशन फीस, बुक्स एट्सेट्रा पर एजुकेशन लोन मिलेगा उनको पढ़ने के लिए, कितना, 50 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू सीईओ ऑफ अलीबाबा ग्रुप, न्यू सीईओ ऑफ अलीबाबा ग्रुप कौन बने हैं, एंडी योंगमिंग वो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका जवाब है कोंडाकल, जो कि कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। किसके द्वारा किया जा रहा है, मेधा सर्वो ग्रुप, और कितना निवेश किया गया है, 1000 करोड़ का निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसका सही जवाब है एडगर रेकेविक्स, लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। लातविया की राजधानी है रीगा और वहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पीएम मोदी ने रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो इस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। इसका एम है प्रदूषण को रोकना, अतिक्रमण को रोकना और रामसर साइट्स का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फिनलैंड। नाटो का नया सदस्य बना है फिनलैंड और इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देश के 7500 सैनिक और 1000 से अधिक गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज बोट एमबी एक्सप्रेस ने चेन्नई से किस देश के लिए पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्रीलंका ने, जो कि 3 बंदरगाहों हवनटोटा, त्रिकोमाली और कांकेसुत्रेई का दौरा करेगी। ये जो क्रूज सेवा है ये इन 3 बंदरगाहों का दौरा करेगी और वापस चेन्नई लौट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किसने किया है, चाइना ने। JF-22 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, JF-22 नामक सुरंग का जो ब्यास है 4 मीटर है और यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की अविश्वसनीय रूप से उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ से हैं, सर्बिया से। और रिलेटेड टर्म्स देखते हैं कि महिला एकल फ्रेंच ओपन किसने जीता है, पुरुष युगल, महिला युगल किसने जीता है, तो महिला एकल जीता यानी कि वुमेन सिंगल्स में ईगा स्क्वेटिक जो कि पोलैंड से हैं, पुरुष युगल जीता है इवान डोडिक जो कि क्रोशिया से हैं और आस्टिन क्रोजिसेक। महिला युगल जीता है सी सू वेई जो कि चीनी है, वोंग जिन्यू चीन ये भी चाइना से हैं। मिश्रित युगल जीता है मियो काटो जो कि जापान से हैं और टिम पुट्स जो कि जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विनर कौन रहा है, तो इसके जो विनर हैं वो है उरुग्वे रहा है कंट्री और रनर अप रही है इटली और इसका आयोजन किया गया है अर्जेंटीना में। किसका, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन 2023 किसके बीच हुआ, तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच। आयोजन स्थल क्या था, आयोजन स्थल चौबटिया यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आयोजन स्थल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर में टॉप सिटी कौन सा है, तो इसका सही आंसर है मुंबई सबसे महंगा शहर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी वैश्विक रैंक है 147th। और दुनिया का सबसे महंगा जो शहर है वो है न्यूयॉर्क और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो ECA इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक घोषणा नामक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किन देशों के बीच हुआ है,
तो ये हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, इसका एम है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 जून को। इसकी थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, ये ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2023 में क्या पहल की है? तो जो पहल की गई है वो है वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, मतलब ऑफिस चेयर पर भी हम योगा कर सकते हैं, ये पहल की गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियन लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियन लीग का अवार्ड जीता है रियल मैड्रिड ने। UEFA चैम्पियन लीग के फाइनल में स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 14वीं बार यह खिताब जीता है। कहाँ से है वो? इंस्ताबुल तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विनर्स को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब है UNDP न्यूयॉर्क, जिसमें कि 91 कंट्रीज शामिल हैं और 85% आबादी को ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रियर ड्रोन खरीदा है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका से। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 18 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश में। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहा चावल जो कि बहुत चर्चा में था, ये कहाँ का है? तो ये चावल जो है वो असम का है, और ये इस चावल की चर्चा में क्यों था? क्योंकि मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, इसलिए जोहा चावल चर्चा में था। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है जून मंथ करंट अफेयर का, ये यहीं पर फिनिश हो रहा है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि आपकी जून मंथ की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट है। और अगर आपको RO के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर का क्विज फ्री में कराया जा रहा है। तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू करें, और सेकंड पार्ट का वेट करें। थैंक यू।